हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक सेकंड चैनल एनवी क्रिएशन 2.0 भी है, तो प्लीज़ वहां जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर बाय चांस कभी ये चैनल किसी स्ट्राइक की वजह से ख़राब हो जाता है या फिर बैन हो जाता है तो आपको वीडियोज़ रेगुलरली प्रोवाइड होती रहें। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ली टियान लोंग के फ्यूरियस ड्रैगन स्ट्राइक की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि जियान चेन अब मारा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि चैन टियान हाओ को ऐसा नहीं लगता है और वो कहता है कि नहीं, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जियान चेन अभी भी जिंदा है। इस पर वो दोनों चैन टियान हाओ को देखकर घूरने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ली टियान लोंग का फुल पावर का अटैक झेलने की क्षमता किसी में भी नहीं है। जिस पर वो सामने देखने के लिए कहता है और जैसे ही सब लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ धुएं के बीच एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम निकलती है, जिसे देखकर ली टियान लोंग भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अपनी पूरी पावर से अटैक किया था, फिर भी जियान चेन जिंदा कैसे हो सकता है। तभी जियान चेन भी धुएं से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब स्पिरिचुअल रैल में पहुंच चुका था। ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और इससे सबसे ज्यादा झटका ली टियान लोंग को लगता है, क्योंकि उसका बेस्ट पावरफुल अटैक बेकार हो चुका था। तो वहीं ये देखकर जुंगी जेंग ताओ और बाकी सब भी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और चैन टियान हाओ सभी को बताता है कि जियान चेन ने ली टियान लोंग के अटैक की पावर को अपने ब्रेक थ्रू के लिए यूज किया। ये सुनकर वो एल्डर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जियान चेन इतनी सी छोटी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है, वो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब वो जियान चेन को बहुत ही ज्यादा डरावनी नजरों से देखने लगता है। जियान चेन को बिल्कुल सही सलामत देखकर ली टियान लोंग उससे कहता है कि तुम इंसान हो या एक मॉन्स्टर हो, तुमने तो मेरे सबसे पावरफुल अटैक को भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए यूज कर लिया। जिस पर जियान चेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे, क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया। तभी ब्लू फायर सिटी का वो एल्डर ली टियान लोंग से कहता है कि तुम्हें अवेलेबल लेवल ट्रेजर का यूज कर लेना चाहिए, ताकि तुम जियान चेन को जल्द से जल्द खत्म कर सको। जिस पर ली टियान लोंग भी उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और जियान चेन से कहता है कि तुम इस दुनिया में पहले इंसान हो जिसने मुझे इतनी पावरफुल चीज को यूज करने पर मजबूर कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके विनर बनकर रहूंगा। जिस पर जियान चेन अपनी सॉर्ड को जमीन पर गड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम इस येलो लेवल वेपन का यूज करने वाले हो तो मैं अपने ही वेपन को यूज करे बिना ही तुमसे फाइट करूंगा। जिस पर ली टियान लोंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस सील को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है, आज मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो सील को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उस सील में से दो हेवनली ड्रैगन्स बाहर आ जाते हैं और ये दोनों ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए ली टियान लोंग इन दोनों से जियान चेन पर अटैक करवा देता है और जियान चेन को खत्म करने का ऑर्डर भी दे देता है। और जैसे ही वो जियान चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर जियान चेन एक तीखी सी स्माइल देता है और फिर अपने होली रिंग ऑफ ट्रायंगल कोटिस का यूज कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों ड्रैगन तुरंत अपनी पूरी दम से ब्रेक लगाते हैं और वापस भागने लगते हैं। ये देखकर जियान चेन कहता है कि भागने की कोशिश करना बेकार है और फिर अपने होली रिंग ऑफ ट्रायंगल कोटिस को इन दोनों को स्वैलो करने का ऑर्डर दे देता है। उसके ऐसा करते ही होली रिंग ऑफ ट्रायंगल कोटिस उन दोनों ड्रैगन को अपने अंदर स्वैलो करने लगता है और बस कुछ ही देर बाद उन दोनों का नाम निशान वहां से खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि जियान चेन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को ऐसे ही स्वैलो कर लेगा। तो वहीं ली टियान लोंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका सबसे पावरफुल अटैक भी जियान चेन ने बस ऐसे ही स्वैलो कर लिया। जिसके बाद जियान चेन अपनी स्वॉर्ड को वापस उठा लेता है और कहता है कि अभी तक तुमने अटैक किए और अब मेरी बारी है। जिसके साथ जियान चेन अपने शैडो ब्लड स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए ली टियान लोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन ली टियान लोंग पता नहीं क्या सोचता है और अपनी उस खराब सील को जियान चेन के अटैक को रोकने के लिए आगे कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चेन का अटैक उसकी सील को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे जा लगता है, जिसकी वजह से वहां धमाका होता है और वो दूर जा गिरता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जियान चेन इंजर्ड ली टियान लोंग की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पर अपनी सॉर्ड रख देता है और कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली और मुझे मारने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म करके ये किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। जिस पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं टियान लोंग सेक्ट का लीडर हूं और मेरा बेटा ली यून फैंग ब्लू फायर सिटी के ग्रैंड कमांडर का पर्सनल डिसाइपल भी है। जिस पर जियान चेन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम कुछ भी ऐसा कहोगे तो तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर तभी चैन टियान हाओ से रोकते हुए उसके पास आने लगता है। ये देखकर वो एल्डर सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था ये कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी और चैन टियान हाओ को मैदान में आना पड़ेगा। और फिर चैन टियान हाओ जियान चेन के सामने आते हुए कहता है कि जैसा कि अभी उसने कहा, तुम उसे बिल्कुल नहीं मार सकते हो, इसीलिए चुपचाप उसे जाने दो,
जिस पर जियान चैन उसकी इससे वजह पूछता है और देखने लगता है कि लगभग ये आदमी लगभग स्पिरिचुअल रैल के 8th ग्रेड पर जरूर होगा। इसीलिए वो सोचने लगता है कि वो उससे किसी भी हालत में फाइट नहीं कर सकता है, वरना वो उससे जरूर हार जाएगा। जिस पर चैंटियान हाउस से बताता है कि ली टियानलोंग ने जो भी कहा है वो सच है, उसका बेटा हमारी ब्लू फायर आर्मी का एक मेंबर है और हमारे ब्लू फायर आर्मी के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये हमारी प्रायोरिटी है। फिर वो जियान चैन से कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं और ली उन फैंग तुमसे दुश्मनी रखें, इसीलिए अब ली टियानलोंग को जाने दो और अपने आप को खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। चैंटियान हाउ का साथ पाकर ली टियानलोंग बहुत ज्यादा उछलने लगता है और कहता है कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के बावजूद भी अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और इसी के साथ वो उसे अपनी शॉर्ट भी हटाने के लिए कहने लगता है। और हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी अगर ब्लू फायर सिटी या उसकी आर्मी से पंगा लेता है तो वो उसे खत्म कर देते हैं और साथ ही साथ उसकी फैमिली और उसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी जियान चैन अपनी शॉर्ट को ऊपर उठा लेता है। ये देखकर ली टियानलोंग खुश होते हुए जियान चैन से कहता है कि तुम जरूर दिमागदार हो, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वो जियान चैन की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि जियान चैन अपनी शॉर्ट को उठाकर सीधे ऊपर की तरफ तान देता है और अपनी शॉर्ट से सीधे उसकी गर्दन पर वार करते हुए उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। और फिर जियान चैन अपने चेहरे से ब्लड को पोंछते हुए कहता है कि मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। ये सब देखकर वहां पर खड़े लोगों को एकदम सदमा लग जाता है, क्योंकि टियानलोंग सेक्ट के मालिक यानी कि ली टियानलोंग उनकी आंखों के सामने इस तरीके से मर चुका है और ये चैंटियान हाओ के चेहरे पर एक तमाचा था। इसीलिए चैंटियान हाओ अब गुस्से में आकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जियान चैन, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ली टियानलोंग को जिंदा छोड़ने का, बट अब तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती ही क्यों की। जिस पर जियान चैन कहता है कि वो सब तो बाद में देखा जाएगा, चलो अब आ जाओ और फाइट करो ताकि मुझे ही पता चल सके कि सो कॉल्ड ब्लू फायर सिटी का एक जीनस कितना ज्यादा पावरफुल और कैपेबल होता है। और फिर चैंटियान हाओ को अपने सिंगल ब्लो में खत्म करने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही चैंटियान हाओ अपनी स्पिरिचुअल फिंगर स्ट्राइक का यूज करते हुए जियान चैन पर अटैक कर देता है, जिस पर जियान चैन भी शैडो ब्लड स्लैश की मैन स्लॉटरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। और जैसे ही इन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर चैंटियान हाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे कभी जीत पाओगे, तुम मेरे बराबर कभी पावरफुल नहीं हो सकते हो और ना ही मुझसे कभी जीत सकते हो। और हम देखते हैं कि वहां पर जैसे ही धूल हटती है तो जियान चैन वहां थोड़ा जख्मी खड़ा होता है और कहता है कि हमारी कल्टीवेशन के बीच काफी बड़ा गैप है, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मुझे हल्का सा ही इंजर्ड कर पाए। जिस पर सबसे पहले तो चैंटियान हाओ नीचे उतर आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे जीनियस मेरे यहाँ बहुत सारे हैं, इसीलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसा होगा जैसे कि मैं अपनी उंगलियों से किसी चींटी को मसल दूं। जिस पर जियान चैन उसे इस बकवास को बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, फिर भी क्या तुम मुझे सिंगल मूव में खत्म नहीं कर सकते हो, और उसे लूजर कहकर चिढ़ाने लगता है। जिस पर चैंटियान हाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और आसमान में एक रोशनी आने लगती है, जिसे देखकर जियान चैन समझ जाता है कि चैंटियान हाओ इस समय अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वहां इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा छा गया है। और हम देखते हैं कि वो जो भी चीज थी वो सीधे जियान चैन के ऊपर आ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि चैंटियान हाओ ने जियान चैन पर अपनी पाम टेक्निक का यूज किया था। और फिर चैंटियान हाओ जियान चैन पर अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने लगता है, और जैसे ही वो अटैक जियान चैन की तरफ बढ़ता है वैसे ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।